उत्तराखंड लोकसभा की पांचों सीटें जीतने के बाद अब भाजपा की निगाहें प्रदेश की दो विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा उत्साहित है। ऐसे में जल्द ही राज्य में आगामी चुनाव संभव है। वहीं राज्य के चार नगर निकायों में सीमा विस्तार और परिसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग यहां के मतदाता सूची पुनरीक्षण कराएगा। जो नए इलाके इन निकायों में शामिल हुए हैं उनके निवासियों की वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम 15 जून से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि चार नगर निकायों में परिसीमन का काम पूरा न होने की वजह से शहरी विकास विभाग ने इनका प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा था, लेकिन अब परिसीमन पूरा होने के बाद प्रस्ताव भेजा तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग 102 में से 93 निकायों में चुनाव की तैयारियां कर रहा था। इस बीच नगर निगम रुड़की का कार्यकाल नवंबर में तो नगर पालिका बाजपुर का कार्यकाल जुलाई में पूरा होने वाला है। इस तरह इन दोनों को मिलाकर 95 नगर निकाय हो जाएंगे। इसके अलावा जिन चार निकायों में वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू होने जा रहा है वहां भी इसके साथ ही चुनाव होंगे। ऐसे में कुल मिलाकर 99 नगर निकायों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव नहीं करा पाई है। देवभूमि उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने से उत्साहित भाजपा जल्द ही आगामी चुनाव कराने की तैयारियां कर रही है। इसके तहत दो विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। इस बीच राज्य के चार नगर निकायों में सीमा विस्तार और परिसीमन पूरा होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग यहां की मतदाता सूची पुनरीक्षण कराएगा। बता दें कि प्रदेश में कुल 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच धामी सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 3 माह के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार का तर्क है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 2-1 तारीख को सभी प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और 6 तारीख तक यानी 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी थी, ऐसे में हमें सारे विधिक राय लेने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएं। और आपने देखा होगा कार्यकाल बढ़ाते हुए हमने यही कहा या तो 3 महीने या उससे पहले हम चुनाव कराएंगे, जो पहले होगा उस तक हमने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया। हमारे सभी कार्यकर्ता आम जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए सभी चुनावों में विश्वास हासिल करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा विनम्र होकर काम करें। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने समय रहते विकास के कोई कार्य नहीं किए, सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त रही। वहीं बीजेपी का तर्क है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से ये देरी हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, भाजपा कह रही है कि जो है हम प्रशासकों का कार्यकाल इसलिए बढ़ा रहे हैं कि विकास के काम को जो है गति देनी है, लेकिन 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में है, 7 साल से आप विकास की जो है काम क्यों नहीं करवा पाए, उसे गति क्यों नहीं दिला पाए। और ये तो राजधानी देहरादून और जो है मैदानी क्षेत्रों के निकायों का हाल है। आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, वहाँ पर देखिए कि न तो स्ट्रीट लाइटें हैं, न नए पार्क बने हैं, न पुराने पार्कों का सौंदर्यकरण हुआ है, ड्रेनेज की कहीं व्यवस्था नहीं है, सफाई की कहीं व्यवस्था नहीं है, और उल्टा जो है निकायों में जिस तरीके से स्वच्छता समितियों के नाम पर घपला हुआ है उस पर भी जनता सवाल पूछती है। इसीलिए जो है चुनाव में जाने से सरकार डर रही है। और जो है मंत्री जी बयान देते हैं कि हम चुनाव के लिए पूरी तैयार हैं, दूसरी ओर जो है प्रशासकों का बार बार जो है कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ऐसा है, कांग्रेस का जो मानसिक
असंतुलन हो गया है वो पूरी तरीके से इसलिए हो गया क्योंकि लोकसभा सीटों पर जो पांचों सीट पर हम प्रचंड जीत हासिल किए हैं उसकी वजह से वो मानसिक रूप से इस तरीके का बयान दे रहे हैं क्योंकि उनकी अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। और जहां तक नगर निकाय चुनाव की बात है तो जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों की यहाँ पर एक देवतुल्य जनता ने भेंट दी है उनको, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो मुख्य सेवक हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कड़े निर्णायक फैसले से जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में अब आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है? आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पाई? सवाल ये भी है कि क्या सरकार मौजूदा समय सीमा में भी निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं?